तो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा आपके प्यार के लिए कि आप लोग जो है बार बार जो है मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं और इन नुस्खों को अपना रहे हैं और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। और जो नुस्खा मैं आपको बिना समय बर्बाद करे आज जो देने वाला हूँ वह है रिलेटेड, जिसे हम कहते हैं जूते के काटना। जूते के काटने से जो छाला लग जाता है उससे हम बहुत परेशान होते हैं और हम उस जूते को, उस महंगे जूते को या तो पहनना छोड़ देते हैं या हम उसको पहनने में बहुत घबराते हैं क्योंकि वो छाला हमें बहुत दर्द देता है। तो आज जो मैं आपको नुस्खा देने जा रहा हूँ, यह नुस्खा गारंटी के साथ आपको किसी भी YouTube चैनल पे नहीं मिलेगा और ना ही आपने कभी सुना होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अंग्रेजी में हम इसी जूते को काटने को कहते हैं शू बाइट। और पहले मैं आपको एक छाला दिखाना चाहता हूं कि जो इस जूते, इस वैली जो आपके सामने रखी हुई है, इसी को पहनने से पैर में लगा। तो चलिए मैं पहले आपको छाला दिखाता हूं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से छाला लग जाता है, आप देख रहे होंगे, मैं आपको फोकस करके दिखाता हूं। ये देखिए ब्राउन कलर का छाला, ये करीबन 5 दिन पहले छाला लगा हुआ है जो कि अब यह सूख गया है। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से यह छाला लग जाता है। और मैं आज आपको बिना समय व्यर्थ करे हुए बताऊंगा कि इस छाले को आपने YouTube चैनलों में और YouTube चैनलों में देखा होगा, आपको जरूर वो यह बताएंगे कि इस छाले लगने के बाद क्या दवाई लगाई जाए। पर हमने दवाई लगानी ही क्यों है, हमने इस छाले को निमंत्रण क्यों देना है लगने का। तो मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि यह छाला आपके नए जूते, वैली या सैंडल, कोई भी चमड़े की बनी हुई चीज हो, वह आपका लगेगा ही नहीं। बस आपने एक छोटी सी चीज करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि यह छाला लगता क्यों है। देखिए हमारे जो स्किन होती है, जो हमारे पैर की स्किन होती है, एड़ी की स्किन जो कि मैंने अभी आपको दिखाई, जो हमारी एड़ी इस जगह पे आती है, वह एड़ी की स्किन हमारी बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। इस जगह पे जो हमारी एड़ी की स्किन होती है बहुत सॉफ्ट होती है, आप इस तरह से देख सकते हैं, यह इस जगह पे आती है। और यह जो लेदर होता है, जो यहां पर को लेदर होता है, बहुत हार्ड लेदर होता है, आप देख सकते हैं ये बहुत हार्ड लेदर है। ये मैं आपको दूसरे में दिखाता हूं, आप देखेंगे यह एक बहुत हार्ड लेदर होता है यहां पर को, और जो कि जब हम चलते हैं तो हमारी जो एड़ी की स्किन होती है इस लेदर से रगड़ती है और उस रगड़न के वजह से, उस टाइटनेस के वजह से हमारा पैर में इस जगह पे छाला लग जाता है। तो आपने करना क्या है, चाहे आपके पास वैलीज हो, चाहे आप ये सारी चीज में आप देख सकते हैं, इस वैली में भी आपको दिखेगा, या आपका नया जूता हो, आपने उसको, अगर आपको जरा सा भी महसूस हो रहा है कि वह जूता आपको काट रहा है, आपने उसको पहनना वहीं पर रोक देना है। और आपने क्या करना है, देखिए मैं औरों को हटा देता हूं, मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पे एक वैली ले ली है। आप फिर देख सकते हैं इस वैली में यहां पर को काफी हार्ड लेदर है, जिस वजह से कि यह एक छाला बना रही है पैर में। तो आपने सबसे पहले, आपके पास एक हार्ड सरफेस होनी चाहिए, या फ्लोर हो, मार्बल या पत्थर, या आप चाहे तो कोई हार्ड सरफेस या कोई लोहे का टुकड़ा ले सकते हैं। तो मैंने उदाहरण के तौर पे एक इमाम दस्ता यूज कर रहा हूं, चाहे तो आप इसको डायरेक्ट फ्लोर पे भी कर सकते हो। इमाम दस्ता एक अच्छे ग्रिप के लिए मैं यूज कर रहा हूं, और नीचे से मैंने एक डस्टर बिछा रखा है ताकि आवाज ना आए ज्यादा। तो फिर आपने करना क्या है, अपनी वैली को इस जगह पे, आपकी वैली खराब नहीं होगी, आप ये मत समझिएगा आपका जूता वैली खराब होगी, आपने इस वैली को इस जगह पे इस तरह से मारना है, जिस जगह पे छाला दे रही है उस लेदर को आपने, उस चमड़े को इस तरह से आपने मारना है। देखिए आपको ऐसे ऐसे आप घुमाएंगे इसको, और आप चाहे तो इससे यूज कर लीजिए, चाहे तो आप हैमर भी ले सकते हैं और हैमर से इसको इस तरह से मार सकते हैं, चाहे तो आप लकड़ी का बेलन
या लकड़ी का कोई सख्त टुकड़ा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा आप मेटल से मारिए, आपका काम जल्दी हो जाएगा। देख लीजिए आपकी वैली बाहर से कुछ नहीं होगी, वैसे की वैसी रहेगी, आपका जूता वैसे रहेगा। अंदर से आपने इसको इस तरह से, मैं ये क्यों मार रहा हूं, जब आप इसको इस तरह से मारेंगे तो ये लेदर यहां पर से सॉफ्ट हो जाएगा मारने के वजह से, और इसकी सॉफ्टनेस इस तरह से हो जाएगी जैसे कि ये सॉफ्टनेस और जगह पे है। और ये इस तरह से मारने आपने इस तरह से इस वैली के दोनों वैलीज में आपने इसी तरह से चोट मारनी है, इस जगह पे पूरी यहां से लेके आप यहां तक इसको चोट मारेंगे, और उसके बाद यह लेदर बिल्कुल यहां से सॉफ्ट हो जाएगा। आप इस वैली को या किसी भी जूते पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको पहनिए और फिर आपका वैली गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूं यह बिल्कुल भी आपको नहीं काटेगी और आपकी वैली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको इसको पहनने में कोई नुकसान नहीं होगा। आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करके देखिए, यह मेरा आपसे गारंटी के साथ वादा है कि आपको ये नुस्खा बहुत काम आएगा और आपके जूते काटने की समस्या जिसको आप शू बाइट कहते हैं वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप इस नुस्खे को आजमाइए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।